हूँ आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक। वेल दोस्तों, सुबह सुबह आपको एक गुड न्यूज दे देते हैं कि हमारे इंडिया को नई मिस इंडिया मिल गई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य जिला जशपुर की आदिवासी स्टूडेंट रिया एक्का ने भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब हासिल कर लिया है। बिलासपुर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाली रिया एक्का अब नई मिस इंडिया बन गई है, जिन्होंने 50 प्रतिभागियों को हरा कर जीत का ताज हासिल किया है। जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र के डगडौआ गांव की रहने वाली 19 साल की, जी हां, महज 19 साल की रिया एक्का कॉलेज स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ अब वो बन गई हैं मिस इंडिया। दरअसल वो बिलासपुर के सरकंडा में रहकर पढ़ाई भी करती हैं। बचपन से ही रिया की रुचि पढ़ाई के साथ साथ फैशन में भी रही है और अब वो फैशन के साथ ही मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती है। रिया एक्का प्रयास पब्लिक स्कूल से 12वीं करने के बाद बिलासपुर में निजी कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। उन्हें शुरू से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक रहा है। पहले भी कई एल्बम में काम भी कर चुकी हैं। साल 2020 में रिया एक्का मिस सरगुजा भी चुनी जा चुकी हैं और अब वो बन गई हैं मिस इंडिया। रिया ने यह भी बताया है कि फैशन और मॉडल इवेंट में उनके अलावा 50 कंटेस्टेंट शामिल हुए थे। कैटवॉक रैंप में रिया ने अपने स्टाइल और पैशन से आयोजकों का दिल जीत लिया। इस खिताब को हासिल करने के साथ ही रिया का हौसला बढ़ा है और अब वो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। रिया का ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहां आज भी रूढ़िवादी परंपरा के लोग रहते हैं और लड़कियां घर से बाहर निकल कर कुछ करने की सोच भी नहीं सकती, और ऐसे में उन्होंने मिस इंडिया का ताज अपने सर पर सजवा लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन आपको बता दें ग्लैमर प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ, जिसमें बतौर जज एक्टर मॉडल और रियलिटी शो के विनर प्रिंस नरुला, एक्ट्रेस युविका चौधरी, एक्टर व्योमेश कॉल और रोडीज विनर एक्टर और मॉडल अरुण शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने रिया को यह खिताब पहना दिया है। बल आपको नई मिस इंडिया के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।